आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिस तरह के आज ग्रोसरी का, फूड का, इतने बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, उसमें अगर आपको डालना है तो प्ले स्टोर में किस तरह से एप्लीकेशन डालेंगे इसके बारे में जानेंगे, राइट। क्योंकि अभी गूगल प्ले स्टोर के लिए बहुत ज़्यादा अपडेट आ चुका है, जिस अपडेट आने की वजह से कि कुछ नए नए फीचर्स हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो जैसे वीडियो लोग ग्रोसरी के बनाते हैं या वेबसाइट अगर बना रहे हैं तो लोग बहुत प्रॉब्लम फील कर रहे हैं किस तरह से अपडेट करें, क्योंकि जो नया अपडेट आया हुआ है बिल्कुल अजीब सा है और कुछ यूनिक जैसा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कि मैं ये वीडियो बना दूँ इसके बारे में भी, ताकि आप में से जो भी के कुछ डाउट है, किस तरह से होता है, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए, आपको बस एक गूगल की मेल आई डी होना ज़रूरी है और इसके अलावा आपके पास जो होना ज़रूरी है कि जो फाइल होनी ज़रूरी है, वो फाइल आपके पास एक एपीके होना ज़रूरी है। उस एपीके के थ्रू का आप साथ काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या आप कौन कौन सी फाइल आप रखना है, नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें। एक आप मोबाइल का स्क्रीन शॉट, कम से कम आपके पास 7 स्क्रीन शॉट होना चाहिए अराउंड। तो अभी मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मैं स्क्रीन शॉट भी अवेलेबल है, साथ साथ मेरे पास अभी ये लोगो वगैरह भी अवेलेबल है, एक लोगो, एक फीचर इमेज। चलिए हम एक वन बाय वन का हम इसका कम्प्लीट करते हैं स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास जो मेल आईडी है, वो मेल आईडी ये अभी हमारे पास अवेलेबल है मेल आईडी, मैं इसी मेल आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या करना है, सिंपल ऑप्शन से आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करें गूगल प्ले कंसोल, या फिर डायरेक्ट आप प्ले कंसोल भी सर्च कर सकते हैं, प्ले कंसोल। यहाँ पे प्ले कंसोल आने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो यहाँ पे अकाउंट बनाने से पहले पेमेंट। अब यही पे मसला होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा क्यों मसला होता है और प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो नए कार्ड होते हैं उस पर एक्सेप्ट नहीं होने की रीजन क्या है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट ना हो जी। तो हमारे पास ये मेल आईडी अभी लॉगिन हो चुका है, मेल आईडी का आप लॉगिन करते ही आपको इस टाइप से आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या नाम है, डेवलपर का नाम डालना है, तो मैं डेवलपर का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, फूड स्टोर, फूड स्टोर ये डेवलपर का नाम है। और यहाँ पे एक मेल आईडी डालना है, जो मेल आईडी आप कोई सा भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास है। यहाँ पे आप अपना कस्टमर के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे आपको डालना है अपने ये गूगल प्ले कंसोल के मेल आईडी, राइट। यहाँ पे आपको एक नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे जो नंबर है मैं वो नंबर का यूज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन ये नंबर आपको इंटरनेशनल नंबर डालना रहेगा, तो मैंने ये नंबर ऐड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट अकाउंट पे, जैसे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। ये आपको अपना कार्ड डालना रहेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ कार्ड है जो एक्सेप्ट करते हैं, इंटरनेशनल कार्ड जैसे वीजा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, और इस तरह से अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये कार्ड एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जैसे रुपए कार्ड है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होता है, तो इंडिया इंडिया ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इंटरनेशनल कार्ड में, वो चीजें नहीं यहाँ पे हो पाता। कुछ कुछ वीजा कार्ड ऐसे भी है जो एक्सेप्ट नहीं करते इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो भी काम नहीं करता है। खास करके कुछ बैंक है जो जिनका काम का ये होता है, ICICI बैंक है जिसका वीजा कार्ड नहीं रहता है, इसके अलावा आपका एक्सिस बैंक है उसका ले लेता है ऑटोमेटिकली क्या वीजा कार्ड में ले लेता है, बट सेंट्रल बैंक वगैरह में ये नहीं लेता है वीजा कार्ड। तो मैं अभी जो है इसका अकाउंट बनाऊंगा ये ICICI कार्ड के थ्रू, ठीक है। जी, ये पेमेंट होने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पे आपका एक अकाउंट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, पढ़ लीजिए जरूर क्योंकि मैंने ऑलरेडी से पढ़ रखा है, तो इसमें ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया आपका अभी बिल्कुल सिंपल सा कंसोल आ चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको नाम डालना है। यहाँ पे आप जिस नाम से ऐप डालना चाह रहे हैं वो है उस ऐप का नाम डालिए, वो स्टोर के नाम दे दीजिए और मैं इसमें डाल देता हूँ ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर,
क्योंकि ये एमपी क्लाइंट है तो एमपी भी इसलिए डाल देंगे ताकि लोकेशन के हिसाब से कुछ कस्टमर्स जो को करेगा, तो अब लोकेशन के हिसाब से डाल सकते हैं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इसे खास की जरूरत नहीं है, बस ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि वो ज़्यादा ऑर्डर वगैरह हो रहा था इसमें डिलीट कर, इसके बाद आप अपने लैंग्वेज यूज रखें, उसका ये ऐप है और ये ऐप है फ्री ऑफ कॉस्ट के, बिजनेस की चीज़ें बिजनेस रखते कर सकते हैं, करना चाहें लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा वो है नहीं, तो अपना भी है आप फ्री पे डाल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट ऐप पर क्लिक कीजिए, क्रिएट ऐप पर क्लिक करने के बाद का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कुछ अजीब है। पहले क्या था कि पहले आपको ऐप का नाम डालने का पूरा उसका एग्जिस्टिंग वगैरह आ जाता था, लेकिन अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हो चुका है, सिस्टम अभी ये होगा कि पहले वो इंफॉर्मेशन मांगता है, उसके बाद जाके आप चीज़ें कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐप किसको एक्सेस देंगे नहीं देंगे, तो वो सारे इंफॉर्मेशन मांगता है, ठीक है। इसको आप वन बाय वन का आप स्टेप से आप कर लीजिए, यहाँ पे एक ऐड पर क्लिक कीजिए कि इसमें अभी हमारे पास अभी कोई ऐड कंटेंट इसमें नहीं है, इसका यहाँ पे कंटेंट क्रिएटिंग के लिए आप दे एक मेल, यहाँ पे आप कंटेंट रेटिंग पे क्लिक कीजिए, सेट रेटिंग। अब ये ऐप है हमारा ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए आपको ये वाला चीज करना है, और इसमें ये सारी चीजें हैं जो इसमें क्या आप पूछ रहे हैं ये सब मैं नोट में कर देता हूँ। हाँ ये आप पढ़ के कीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा पढ़ रखा हूँ, आप एक बार पढ़ लेंगे ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो कि आप इसको नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ें ना गलत ना, ठीक है। तो मैंने इस ऑलरेडी का आगे पढ़ रखा है, बहुत सारे मैं डेली एप्लीकेशन दो दो तीन तरह से डेली डालता हूँ। इस यहाँ पर टारगेटेड कस्टमर्स आप चूज करेंगे, टारगेटेड लोग जो कौन कौन से लोग आपके ऐप को देखेंगे, तो ये आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये बच्चों को इफेक्टिव करता है नहीं करता, मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ग्रॉसरी भी आ जाएगा इसी के अंदर, आप ग्रॉसरी भी मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रॉसरी नहीं है सिर्फ आपको फूड, तो मैंने फूड ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। अब यहाँ पे आ जाता है मेल आईडी, ये वो मेल आईडी है जो कस्टमर के लिए, अगर आप कस्टमर को मेल आईडी देना चाहते हैं तो आप कस्टमर के लिए मेल आईडी अपना वेबसाइट अगर है तो आप वेबसाइट कर दीजिए, या फिर अगर आप अपना पर्सनल शेयर करना चाहते हैं तो पर्सनल कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप कस्टमर के। इसके बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए जो आपका वेबसाइट है, ताकि कोई बंदा अगर वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो वो विजिट कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर देने की आप जरूरत नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे क्या उसका सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद जो प्रोसेस है वो आपको फिर जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे क्लिक करने पर आप आ गया आप स्टोर लिस्टिंग, अब आपको मिलेगा जहाँ पे सारे, ठीक है। जब पहले क्या होता था कि पहले यही चीज़ हमें ऐड करना पड़ता था, थोड़ा इसके लिए चेंज हो चुका है। यहाँ पे अभी एक हमें एक एडी करेक्टर का एक ऐसा वर्जन डालना चीज़ आ जाए, तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि ऑफर पे हम ऑफर करते हैं कि ऐप ऑफर फिश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड
ये मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब इसके बाद ये आप अपनी जो भी सर्विस करते हैं आप थोड़ा डालना चाहे डाल सकते हैं, मेरे वहाँ पास जो भी सर्विस करते हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा डालना चाहे मैंने यहाँ पे थोड़ा और कर दिया। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप ऐप का आइकन चूज करना है, तो मैंने बताया था कि इसके लिए आपको एक लोगो तैयार करना होगा, वीडियो की साइज होगी 512 512 तो मैंने लोगो ऑलरेडी बना रखा, तो एक ग्राफिक इमेज चाहिए जिसकी साइज है आपका 10x24x5 तो मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, तो ये 10x24x5 करेंगे। ये सब चीजें ये साइज बनाना हो फोटो उतारना हो इसके बाद आपको लेगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट इस तरह का है। हाँ ये स्क्रीनशॉट साथ ही लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, हाँ तो आठ ही ले रहा है, बाकी का वजह से ज़्यादा नहीं। अब ये टैबलेट के लिए, टैबलेट के लिए अभी हमारे पास नहीं है, तो मैं इसी में से कोई चीज जो अच्छा है उसमें डाल देता हूँ, टैबलेट का जो ऑर्डर है। अगर आपको टैबलेट है तो टैबलेट भी आप इसमें टैबलेट स्क्रीन पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ का टैबलेट का जो 10 इंच का टैबलेट रहेगा वो जिस तरह है वो दिखा दिया। हाँ ये जो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने वीडियो को प्रोफेशनल लगाना चाहें, प्रोफेशनल वीडियो लगाना चाहें तो आप यहाँ पे उस वीडियो का लिंक डाल सकते हैं प्रमोशन वीडियो का, जैसे ये डाला हुआ है यहाँ पे हमारे पास एक प्रमोशन वीडियो है, तो इस तरह का अगर वीडियो का लिंक बना के डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं अपने ऐप के बाद। ठीक है, मैं इस टाइम भी अब इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब ये अरेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इसको, जिस तरह से अरेंज करना चाह रहे हैं आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमने ये सब कुछ रेडी कर लिया, उसके बाद हम कर देते हैं सेव करने के बाद ये कुछ कर रहे हैं तो कोई चीज मिस्टेक है यहाँ पे ऐप आइकॉन डिस्प्ले बता रहे हैं, क्योंकि मेरी भी शायद ऐप आती है पाँच सौ बारह नहीं होगा जी, ये 516x516 है, तो थोड़ा सा भी अगर आपका ये चेंज होता है तो ये लेता नहीं, तो ये 512x512 ही देगा। तो अगर इसका अगर आपको साइज बदलना हो, साइज बदलना चाहे तो आप बिल्कुल इसका साइज बदल सकते हैं फोटोशॉप के थ्रू। सिंपल ऑप्शन आप क्या करें, अपना कीबोर्ड में कंट्रोल आल्ट आल्ट प्रेस कर उसके बाद भी आप टाइप डालें तो आप इसे दोबारा में दोबारा दोबारा उसके बाद इसको सेव करें, कंट्रोल एस करके और सेव करने के बाद आप फिर जैसे इसी लोगो को आप दोबारा डाउनलोड कर लीजिए आइकॉन ये आपका उसके बाद आप इसको कर लीजिए सेव। हाँ कुछ एप्लीकेशन है जो आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पहले एप्लीकेशन ऐसा था कि वो 24 आवर टाइम लेता था और वो डेटर वाले उसको पब्लिश कर देते थे, बट अभी जो है एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कोई कई एप्लीकेशन 20-25 दिन में भी नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी रिसेंटली मेरे जो कस्टमर था उनके लिए किया था तो उनका पैसा भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 स्टेप 40 स्टेप और दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये था अगर आप टेस्टिंग पर्पज के लिए चलना करना चाह रहे हैं आप तो ये ऐप आप यहाँ टेस्टिंग पर्पज के लिए कर सकते हैं, यहाँ भी टेस्टिंग पर्पज के लिए कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप अगर टेस्टिंग पर्पज के लिए ग्रुप या किसी किसी ब्राउज़र करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट क्या करना है पब्लिश करना है, इसलिए हमें लास्ट ऑप्शन चूज करना है और चूज करने का यहाँ पे 3 चीज और करनी पड़ेगी एंड इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ 4 चीज़ें थी, बट अभी जो है बहुत इतनी सारी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कर दिया है, एडवांस बनाया है इजी करने के लिए, लेकिन थोड़ा अभी नए नए हैं इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि शुरू शुरू में मैं भी कि जब इसका नया अपडेट आया था, इसी दिसंबर में अपडेट आया था तो उस वक्त जो है मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी,
यहाँ पे कुछ अभी नए जो फीचर्स हैं उसमें ये भी है कि आप किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर इंडिया कंट्री में आप उस ऐप का एक्सेस दिला सकते हैं। सपोज कि मुझे अगर सिर्फ इंडिया में दिलाना हो या इंडिया के पार्टिकुलर एरिया में करना हो वो भी कर सकते हैं, तो मैं इसको सिर्फ इंडिया में, ये बाहर के लोग इसको ये देख नहीं सकता है या इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसे इंडिया रखा। इसके बाद आपको करना है रिलीज का ऑप्शन पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एपीके अपलोड करना है, ये टर्म एंड कंडीशन आप इसको पढ़ लें, पढ़ने के बाद इसे एक्सेप्ट करें। ये क्योंकि पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो बेटर है कि आप फर्स्ट टाइम अगर आप डाल लें तो उसको आप सही से वन करके पढ़ लें। यहाँ पे अब मैं एपीके में यहाँ पर डाल दिया। अब एपीके डालने के बाद एक बात का ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए कि अभी जो एपीके वर्जन इन एंड्रॉयड वर्जन है वो 9 के ऊपर ही वर्जन लेते हैं, 9 से नीचे का नहीं लेते। अभी के जो मैं यहाँ पर डाल दूंगा वो 9.8 वर्जन है, क्योंकि अभी एंड्रॉयड वर्जन से बहुत हाई लेवल का है। यहाँ पे आप कोई भी नोट्स वगैरह डाल सकते हैं आपके बारे में कुछ, या फिर आप एसईओ का कीवर्ड सब डालना चाह रहे हैं वो डाल सकते हैं। ये SEO बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये गूगल सबसे जुड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं आप डाल सकते हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, इस तरह का बहुत सारे वर्ड यूज करना चाहें, सुपरमार्केट, ज्यादा मत डालिए क्योंकि ज्यादा नहीं होता। तो उसका सेव को क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद अब जो लास्ट ऑप्शन बन गया है वो बस आप जस्ट क्लिक कीजिए। लास्ट ऑप्शन है स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, आप इस क्लिक पे आप इसमें डालना चाह रहे हैं, अब ये रोल आउट, ठीक है। एक बार ये आ गया और ये अभी चला गया रिव्यू में, हमारा काम या बस वेट करें, जैसे वाले रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद आपका मेल आएगा और उस मेल पे फिर दो मेल आएगा, पहले आपका कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा, उसके बाद जो है और मतलब आप पेमेंट करेंगे तो उसका मेल तो उसी टाइम आ जाएगा, फिर दूसरा मेल आएगा आपका कमीशन का, रेटिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपका ऐप अपडेट हो जाएगा, देखा कितना ईजी स्टेप था, बट कुछ लोग ना जानने की वजह से कर नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होती है, ऐसे होता तो मैंने इसलिए समझा कि आपके जो वीडियो बना दूं ताकि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर हो। कि किसी तरह से अगर आपको कोई ऐप बनाना हो, वेबसाइट बनाना हो, मोबाइल एप्लीकेशन पब्लिश करना हो, आप डिमांड कर सकते हैं और कहीं भी आप फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।